तो किसी से ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। लोग तो अपनी बहन और माँ और बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन लोत ने इतना प्यार दिखाया कि उसने कहा कि मेरी बेटियों को ले लो मगर इनको छोड़ दो। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, जब अतिथि कोई तुम्हारे घर में आता है कि तुम लोग उनके साथ क्या करते हो और किस तरह से आदर करते हो। अतिथि जब हमारे घर में आता है तो हम उसके साथ कैसा रहते हैं। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जब परमेश्वर के घर में जब लोग अतिथि आते हैं तो वो परमेश्वर के दूत होते हैं। परमेश्वर अपने दूतों को हमारे लिए इसलिए भेजता है ताकि वो हमें आशीष दे सके। कई लोग के घर में स्वर्गदूत आते हैं, मनुष्यों के रूप में आते हैं, लेकिन उनका अतिथि स्वीकार जो है नहीं कर पाते हैं, इसलिए कई आशीषों को जो लोग हैं वो लोग खो देते हैं। अब्राहम ने उनको आदर किया, उन तीन पुरुषों का आदर किया, स्वर्गदूतों का आदर किया, उनको घर में हाथ धुलाए, पैर धुलाए और अच्छा खाना खाने के लिए दिया। परमेश्वर के दूतों का अब्राहम ने आदर किया और परमेश्वर ने के दूतों ने उससे ऐसी आशीष दी। उसने कहा कि जब हम फिर से आएंगे तो तुम एक बच्चे के साथ तुम होंगे। अब्राहम को उन दूतों ने बच्चों की आशीष दी। हे भाई और बहनों, अब्राहम को उस दूतों ने बच्चों की आशीष दी। अनजाने में अब्राहम ने उनकी सेवा की, लेकिन वो स्वर्गदूत जो अब्राहम के पास आए थे, अब्राहम के लिए आशीष लेके आए थे। हे भाई और बहनों, लोत के घर में भी वही स्वर्गदूत गए थे इंसानों के रूप में, लेकिन उनको लोत ने अपने घर में बुलाया। जब लोग, शहर के लोग उनसे लड़ने के लिए आए थे कि उन स्वर्गदूतों को, उन पुरुषों को हमारे हवाले कर दो, हम इनके साथ संभोग करना चाहते हैं, लेकिन उसने अपनी बेटियों को देना चाहा, लेकिन उन स्वर्गदूतों को कहा कि ये जो है मेरे लोग हैं, मेरे मेहमान हैं, इससे कुछ भी मत करो। हे भाई और बहनों, अब्राहम ने आशीष पाई और लोत ने भी ये कह के उनसे आशीष पाई। जब लोग कंट्रोल नहीं हुए तब स्वर्गदूत आगे बढ़े और लोत को अपने घर में लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, और जितने वहाँ के पुरुष, स्त्री, जितने भी थे शहर के लोग, सब के सब को अंधा कर दिया उन स्वर्गदूतों ने। जितने लोग लोत का दरवाज़ा ढूंढ रहे थे, पूरी रात उनकी बीत गई, लेकिन वो लोग लोत के घर को ढूंढ नहीं पाए। स्वर्गदूतों ने कहा, हम लोग आए हैं, इसलिए आए हैं कि इस देश को हम नाश कर सकें, लेकिन हम तुम्हें बचाएंगे, तुम्हें आशीष देंगे। तुम सिर्फ अकेले ही, लोत को कहता है कि तू सिर्फ अकेला ही इस देश में बचेगा, अपने बच्चों को, अपने दामादों को, सबको लेके उस पहाड़ी की तरफ चले जा। और लोत सबके साथ, अपने परिवार के साथ जो था, उस पहाड़ के ऊपर चले गया और उसका परिवार जो था बचाया गया, लेकिन उस देश के लोग जो थे, जितने भी लोग थे, सब के सब उस आग में मर के, जल के राख हो गए। सदोमा अमोरा का देश। हे भाई और बहनों, अनजाने में अब्राहम ने अतिथि का सत्कार किया, अनजाने में लोत ने भी अतिथि सत्कार किया, और जो कुछ उनके पास था उन लोगों ने खुल के दिया कि खाओ, और उन्हें तृप्त किया। लोत ने भी अपने घर में जब मेहमानों को रखा था, उसने कहा कि मेरे मेहमानों को कुछ मत करो, मेरी बेटियों के साथ कुछ भी कर लो। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, ऐसा अतिथि सत्कार आज कौन कर रहा है। स्वर्गदूत अपनी मर्जी से हमारे घर में नहीं आते हैं, उन्हें परमेश्वर भेजता है हमारे लिए आशीष दे के। जब वो हमारे घर में आते हैं तो हम उनका कैसा आदर करते हैं, हम उन्हें अपने घर में आने देते हैं या नहीं। अगर लोत ने अपने घर में आने नहीं दिया होता
तो आज वो भी शायद नाश हो गया होता उसी देश में। हे भाई और बहनों, आज पर